देश की राजनीति अभी गुजरात चुनाव परिणाम के बुखार में डूबी हुई थी कि 2G घोटाले में पटियाला हाउस कोर्ट के फैसले ने सियासी परिदृश्य में और उत्तेजना भर दी है। सियासतदानों के लिए भूकंपीय झटके की तरह आए इस फैसले का असर 2019 के आम चुनाव तक खींच सकता है। भ्रष्टाचार विरोधी लहरों पर सवाल होकर 2014 में कांग्रेस की सत्ता में पहुंची बीजेपी भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधती नजर आ रही है। 2019 के आम चुनाव से पहले दक्षिण भारत में नए सहयोगियों की तलाश में भटक रही बीजेपी के लिए 2G का खेल अभी खत्म नहीं हुआ है। जांच एजेंसियां विशेष अदालत के फैसले को ऊपरी अदालतों में चुनौती देने जा रही हैं। बीजेपी के अंदरूनी सूत्रों का कहना है कि सीधे रास्ते या दूसरे तरीके से चाहे जो हो, द्रविड़ मुनेत्र कड़गम बीजेपी के लिए 2019 के आम चुनाव के प्लान का महत्वपूर्ण हिस्सा है। दूसरी ओर कांग्रेस के लिए 2G केस में कोर्ट का फैसला एक बड़े मौके की तरह आया है। 2014 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को इसकी बड़ी कीमत चुकानी पड़ी थी। अब जबकि कोर्ट का फैसला आ गया है, पार्टी इसको बड़े पैमाने पर भुनाने की तैयारी में है। गुरुवार को पार्टी नेता कपिल सिब्बल ने कहा कि ये सब झूठ का घोटाला था, बीजेपी ने लोगों को भ्रमित किया है। कांग्रेस पार्टी अब ज़्यादा संविच्छेद तरीके से आगे आने वाले चुनाव में जनता के बीच जा सकेगी। भले ही जांच एजेंसियां इस फैसले को ऊपरी कोर्ट में चुनौती दे, लेकिन जनता में एक बार मैसेज जा पहुंचा है, इसलिए कांग्रेस के सिर पर भ्रष्टाचारी का बोझ नहीं होगा। पार्टी नेताओं का दावा है कि बीजेपी के हाथ से एक बड़ा चुनावी मुद्दा निकल गया है और कांग्रेस की विश्वसनीयता बढ़ी है। हालांकि दोनों पार्टियों की निगाह ट्रायल कोर्ट के फैसले के खिलाफ ऊपरी कोर्ट में होने जा रही है अपील पर टिकी हुई है और 2019 के चुनावी कैंपेन के दौरान इस केस में सियासी तौर पर जोर आजमाइश पूरी रफ्तार में आ सकती है। इन सब चीज़ों से पहले इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि तमिलनाडु के अपने पिछले दौरे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिना किसी पूर्व योजना के DMK नेता M करुणानिधि का हाल चाल लेने पहुँच गए थे। स्टालिन सहित तमाम नेताओं के लिए यह चौंकाने वाली बात थी। जज ने फैसला किया है कि इसमें कोई करप्शन नहीं है और कोई नुकसान नहीं है, वो तो इश्यू भी नहीं था, नुकसान को तो इश्यू भी नहीं था। तो जेटली साहब को ज़रा समझदारी के साथ बात करनी चाहिए, उनको मालूम होना चाहिए कि एक बार कोर्ट का फैसला आ जाए उस फैसले को रिस्पेक्ट करना चाहिए, ना कि ये फिर दोबारा आरोप लगाना चाहिए ये करप्ट पॉलिसी थी। करप्शन अगर होती है और करप्शन करते हैं तो इनकी मानसिकता में करप्शन है, क्योंकि कोई भी विनोद राय की वजह से 1,76,000 करोड़ प्रिजम्पटिव लॉस के आधार पे इन्होंने आरोप लगाया कि हमारी सरकार स्कैमस्टर सरकार थी। आज वो बात सिद्ध हो गई कि गलत था ये। इनफैक्ट अगर कोई स्कैम था तो विपक्ष के झूठ का स्कैम था। लाइसेंसेस, जिन लोगों के लाइसेंसेस कैंसिल हो गए, उन्होंने बैंक से लोन लिए थे, वो लोन नहीं वापस कर पाए तो बैंकों के NPAs बढ़ गए, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स बढ़ गए। उसकी वजह से आज स्थिति इकोनॉमी की ये है, आप देख रहे हो, और टेलीकॉम सेक्टर की है, और ये सारा श्रेय बीजेपी को जाता है। झूठ बयानी के आधार पर ये लोग सत्ता में आए और आज इनके गले के नीचे नहीं निकल रहा, जब सैनी ने फैसला कर दिया है कि इसमें कोई गलत बात थी ही नहीं। जजमेंट ना माने और जांच सर्टिफिकेट हम इनको देंगे, झूठ का हम लिख के देना चाहते हैं कि भाजपा को हम सर्टिफिकेट देते हैं झूठी पार्टी का, क्योंकि ये कभी सच मानने को तैयार ही नहीं रहते।